ना हेलो गाइस, इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि क्या जो हिंदी मीडियम पढ़ा हुआ है वो लॉ कर सकता है क्या आफ्टर ट्वेल्थ या फिर ग्रेजुएशन के बाद लॉ कर सकता है क्या हिंदी मीडियम वाला, और उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या अगर वो हिंदी मीडियम से करे तो कोई फ़ायदा है या इंग्लिश मीडियम से करे तो क्या फ़ायदा, क्या क्या दिक्कत हो सकती है उसको अगर वो हिंदी मीडियम से लॉ करेगा, तो समझेंगे इस वीडियो में। इफ़ यू न्यू ईयर हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोज। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। तो अगर आप ट्वेल्थ हिंदी मीडियम से की हुई है आपने, जैसे कि मैंने भी हिंदी मीडियम से की हुई है, मैं अपनी बता दूं आपको, लेकिन मैं फ़िलहाल लॉ कर रहा हूँ। ऐसे ही मुझसे बहुत सारे पूछते हैं कि क्या कोई दिक्कत आती है क्या कॉलेज में, तो जी हाँ आती है, लेकिन क्या आती है क्या नहीं आती वही तो बताऊँगा मैं इस वीडियो में अपने एक्सपीरियंस से, ना कि कोई सुना हुआ किसी का। मैंने एडमिशन लिया, जैसे कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, आपको हकीकत बता दूँ मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था, इसीलिए मैंने लोगों से पूछा जानकारी की, तो जो मैंने जानकारी ऑब्जर्व किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखो, हिंदी मीडियम से अगर आप लॉ करना चाहते हो, अगर आपका सपना है लॉ करने का, आप सिर्फ हिंदी मीडियम की वजह से रुक रहे हो कि नहीं यार हिंदी मीडियम की वजह से कोई दिक्कत हो सकती है, तो आप गलत हो, आप कर सकते हो। फर्स्ट ईयर जो आप अगर आफ्टर ट्वेल्थ करते हो, तो मैं ये गारंटी लिख के दे सकता हूँ आपकी इंग्लिश फर्स्ट ईयर में ही ऐसी हो जाएगी कि भाई आप, मैं ये नहीं कह रहा बोलने लगोगे, आपकी इंग्लिश मस्त हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी, कहने का तात्पर्य यह है। तो इंग्लिश से डरना छोड़ दो। बहुत सारे लोगों का ये डाउट होता है कि यार हम इंग्लिश तो आती नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश में लेक्चर होते होंगे, तो देखो मिक्स होते हैं लेक्चर जो होते हैं क्लासेस में, वो हिंदी भी इंग्लिश भी, इस तरीके से आपको पढ़ाया जाता है कि आपकी समझ में आए। अगर वो इंग्लिश ही पढ़ा रहे हैं तो सारे बच्चे इंग्लिश के ही नहीं होते भाई, आप जैसे भी मेरे जैसे भी होते हैं कॉलेज में, इसीलिए ये दिमाग से निकाल दो भाई कि आप हिंदी मीडियम के हो तो लॉ नहीं कर सकते। हिंदी मीडियम के जुडिशरी क्लियर करते हैं, आपको बता दूं मैं, इसीलिए ये इंग्लिश डजेंट मैटर, वो बाद में आप इम्प्रूव हो जाती है यार, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए और कोई डाउट बन रहा है ना आपका लॉ को लेकर के, तो यार कॉमेंट करना, क्योंकि यार पूछना गलत बात नहीं होती, सिर्फ वही बच्चा पूछता है जो अपने करियर को लेकर जागरूक होता है, जैसे कि मैं पूछता था। अगर आप पूछते हो तो जागरूक हो, कोई बेवकूफ नहीं हो, समझ रहे हो ना। अगर आपको कुछ जानना समझना है, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो यार कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा आपको जो मैं कर रहा हूँ, मैं तो फिलहाल कर रहा हूँ, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ रहा है, क्या क्या मैं करता हूँ, वो आपके साथ सब कुछ शेयर करूँगा। तो बस आपको करना क्या है, कॉमेंट करना और चैनल से जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।